आप एतराज कर रहे हैं मेंबर पर बैठने वालों पर, मजलिसों में ऐसी मजलिसें पढ़ी जाएं कि सब आए। तो भैया एक तरह की नमाज पढ़ो, हर फिरके की मस्जिद अलग अलग क्यों है? सब यह हाथ बांध लें कि सब हाथ खोल लें? अल्लाह को सजदा तो एक तरीके से हो नहीं पा रहा है, एक वक्त के ऊपर रोज़ा तो खुल नहीं पा रहा है, एक तरीके से हज नहीं हो पा रहा है। हमारे हज के अरकान 8 हैं, बाद लोगों के हज के अरकान हमसे अलग हैं। ज़कात एक तरीके से अदा नहीं हो पा रही है। माँ फरमाइएगा, बेतुकी बातें करने के लिए, दूसरों में अच्छा बनने के लिए अपने बाप को बुरा कहना, ये बड़ा बेतुका फैशन है, ये बहुत बेतुकी हिमाकत है। और दूसरे इससे ना महसूस हुए ना होंगे, और जो कुछ हो रहा है वो सब होता रहेगा। किसी का मजहबी काम हिंदुस्तान में रुकता नहीं है।